26 जुलाई 2005 ये वो दिन जब एक प्रलयंकारी बाढ़ ने पूरी माया नगरी मुंबई को पानी में भर दिया था। हजारों लोग मारे गए जबकि 3000 से भी ज्यादा बेघर हो गए। इसी महीने गुजरात में भी एक प्रलयंकारी बाढ़ ने दस्तक दी जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी जबकि 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। ऐसे ही प्रलयंकारी मंजर अगस्त 2019 में देखने को मिला जब भयंकर बाढ़ ने कई लोगों की जान ली जबकि 9 जिलों 1012 गांव और 5 शहरों के करीब 1,30,000 लोग प्रभावित हुए। यानी भारत के अलग अलग राज्यों पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडरा रहा है पर यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा तो अभी बाकी है। तो कौन कौन से हैं वो 8 राज्य जिनमें भयंकर तबाही मचेगी? इन 8 राज्यों के खिलाफ क्या चेतावनी जारी हुई है? क्या भारत तबाही की ओर बढ़ रहा है? यह थंडर स्ट्रॉम क्या है? कहीं गल्फ देशों में आई बाढ़ भारत के विनाश का संकेत तो नहीं? चलिए समझते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, आज पूरे विश्व भर में प्राकृतिक आपदाओं का जैसे सैलाब उमड़ पड़ा है, कहीं बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है तो कहीं सुनामी दल दहला रही है, कहीं चक्रवात डरा रहे हैं तो कहीं तेज हवाएं रूह कपा रही हैं, कहीं तेज बारिश है तो कहीं ज्वालामुखी। एक के बाद एक देश विदेश में अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं और इस सब का मुख्य कारण है ग्रह नक्षत्रों की चाल जो लगातार डराने वाले संकेत दे रही हैं। ग्रहों का हमारे जीवन में क्या मूल्य है यह तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी प्राणी विशेष के ग्रह सही राह पर चलें तो उसकी बिगड़ती समर जाती है जबकि ग्रह अगर गलत दिशा में प्रवेश कर जाएं तो उसके सभी बने हुए काम बिगड़ जाते हैं और अब यही ग्रह न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का संकेत दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर के अनुसार 23 अप्रैल से खतरनाक अंगकारक ग्रह योग का प्रारंभ हो चुका है। बता दें कि अंगारक रोग को सबसे खतरनाक योग माना जाता है। ये किसी व्यक्ति के जीवन में बने तो उसे परेशानियां घेर लेती हैं और संपूर्ण विश्व के लिए तो तबाही का सैलाब उमड़ पड़ता है। अंगकारक योग के साथ साथ एक महीने के दिन देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो काफी खतरनाक है। इस तरह ये दोनों ही योग भारत के लिए विनाश की एक नई लीला का मंचन करेंगे। वहीं रही बची कसर को पूरा करेगा 13 दिनों का पक्ष जो इस वर्ष 23 जून से आरंभ हो रहा है जिसके बाद देश भर में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ होगा, कहीं तूफान तो कहीं तेज हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान उठेंगे और देखते ही देखते संसार में हाहाकार मच जाएगा। इस महाप्रलय की भविष्यवाणी संत अच्युत्यानंद दास महाराज आज से 600 वर्ष पूर्व ही कर चुके हैं। संत अच्युत्यानंद दास महाराज ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा, भयो लागबची मनोना मानुची केमंते कही भी मोही चौबीसो अंकोरे नदी मानो फूली कोराई बे जड़ प्रडियोटी एमंत प्रडियो देखी नाथी बे काली गुजर मनुष्य चाहु चाहु स्थण हुई बटी जाड़ हाहाकार पड़ी जिबे। अर्थात भय लगता है मन नहीं मानता, कैसे कहूं मैं इस बात को 24 अंक में नदियां उफान पर होंगी डुबा देंगी अनेक अंचलों को, ऐसी प्रलय कभी नहीं देखी होगी, कलयुग का मनुष्य देखते ही देखते स्थल हो जाएगा जल हाहाकार मचेगा। यानी अपनी भविष्यवाणी में संत अच्युत्यानंद दास महाराज जी कह रहे हैं कि 24 अंक यानी 2024 में नदियां अपने उफान पर होंगी, देखते ही देखते दुनिया जलमग्न हो जाएगी, जल प्रलय से कलयुग रूपी मनुष्य खुद को बचा नहीं पाएगा, चारों ओर हाहाकार मचेगा और सिर्फ जल प्रलय ही नहीं सुनामी तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाएं भी मनुष्य को घेर लेंगी। तबाही की एक नई तस्वीर कलयुगी मनुष्य के सामने होगी जो उसे जीवन भर के पाप की किसी रील की तरह दिखाएगी। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं दुबई ओमान जैसी खाड़ी देशों से हो चुकी है। 15 से 16 अप्रैल को उठी दुबई की बाढ़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक खाड़ी और पूरी तरह से रेगिस्तान में बसा एक देश जहां एक बूंद पानी मिलना भी मुश्किल है, वहां अचानक से आई बाढ़ ने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। सिर्फ दुबई ही नहीं
ओमान, बहरीन, सऊदी और यूएई में 15 अप्रैल की रात से ही भयंकर तबाही और बाढ़ ने तांडव मचा दिया। चारों ओर गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती नजर आईं, जबकि लोग ऊपर वाले से अपनी जान की भीख मांगते नजर आए। इस बाढ़ की मुख्य वजह क्लाउड सीडिंग को बताया जा रहा है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवाई जहाजों के जरिए आसमान के सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल्स जैसे कणों को बारिश में छोड़ा जाता है ताकि नमी वाले बादल से बारिश हो सके। साधारण भाषा में कहें तो ये आर्टिफिशियल बारिश है जो खेती सूखा को दूर करने, बारिश करवाने, गर्मी से राहत दिलवाने और बंजर जमीन को उपजाऊ करने जैसे काम आ सकती है। लेकिन दुबई सहित अन्य खाड़ी देशों में इसी प्रक्रिया ने तबाही का ऐसा मंजर सजाया कि देखने वालों की रूह कांप गई। अगर आप अब भी यही मानते हैं कि ये बारिश क्लाउड सीडिंग का नतीजा है तो आप गलत हैं। जी हाँ, असल में इस भयंकर बारिश और बाढ़ के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला लो प्रेशर यानी कम दबाव और दूसरा हाई सी सरफेस टेम्परेचर यानी उच्च समुद्री सतह का तापमान। इन दोनों ही फेनोमेना के मिलने की वजह से एक भयंकर थंडर स्ट्रोम हुआ और दुबई सहित गल्फ देशों में त्राही माम मच गया। थंडर स्ट्रोम एक लाइन में समझें तो थंडर स्ट्रोम बिजली का तूफान है जो बिजली के लिए भी जिम्मेदार होता है, जैसा कि हमने दुबई, ओमान और सऊदी अरब जैसे देशों में देखा। क्योंकि अगर ये बाढ़ या तबाही क्लाउड सीडिंग के जरिए उठना लाजमी ही नहीं है। असल में क्लाउड सीडिंग एक सीमित एरिया में की जाती है, लेकिन बाढ़ का प्रचंड रूप दुबई, बहरीन, ओमान, यूएई और सऊदी अरब जैसे अनेकों देशों में देखने को मिला। जिन देशों में बारिश होना भी मुश्किल था, वहां ऐसा भयानक मंजर कभी भी क्लाउड सीडिंग से उठ ही नहीं सकता। बल्कि ये सब कारण है अरब सागर में हो रही अजीबोगरीब हरकतों और क्लाइमेट चेंज का, जिसका असर अब भारत पर भी देखने को मिलने वाला है। 2005 में मुंबई और गुजरात में आई बाढ़ भी अरब सागर की उथल पुथल का ही नतीजा थी, जो काफी छोटे लेवल पर थी। वहीं गल्फ देशों में उठी बाढ़ की ये ट्रेलर है, क्योंकि असली तबाही तो भारत में उठने वाली है, जिसका असर सबसे ज्यादा इन 8 राज्यों पर पड़ेगा। इन राज्यों के नाम जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन राज्यों में सबसे ज्यादा संकट है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य पर। अरब सागर का सी सरफेस तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहीं वातावरण में ह्यूमिडिटी यानी नमी भी भरपूर मात्रा में है और ये सब साबित करता है कि भारत के पश्चिमी भाग में दुबई की तरह एक भयानक थंडर स्ट्रोम टकराने वाला है, जिस कारण गुजरात और महाराष्ट्र में प्रलयकारी बाढ़ दिख सकता है। इन दो राज्यों के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक जोन में है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बसे राज्य, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों में भी वातावरण में नमी, क्लाइमेट चेंज और अरब सागर की उथल पुथल के कारण थंडर स्ट्रॉम टकराने की आशंका है। थंडर स्ट्रॉम के अलावा इन राज्यों पर गोल्फ का खतरा भी मंडरा रहा है। ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक्स में पानी ओवरफ्लो होने के बाद आउटब्रस्ट होकर पूरे हिस्से से प्रेशर के साथ पानी बहने का खतरा, जिसे हाल ही में बहरीन जैसे देश ने भयंकर तबाही झेली है। इसके अलावा सिक्किम में 2023 में हुए जल प्रलय का एकमात्र कारण भी ग्लोफ ही है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश जैसे अनेक राज्य रेड जोन में आते हैं, क्योंकि भारत के सिर्फ 4 राज्यों में ही 34 प्रमुख ग्लेशियर्स हैं। हिमालयन रीजन में बसे सबसे ज्यादा ग्लोफ लैक्स मौजूद हैं, जिनमें पानी पिछले कुछ दशकों में 37 से 93% तक बढ़ गया है। इन राज्यों में 30 लाख से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं और ऐसे में ग्लोफ का खतरा 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहा है। ग्लोफ के कारण विपदा कितनी खतरनाक आ सकती है, इसका ट्रेलर हम सिक्किम में आई तबाही में देख ही चुके हैं। अगर इन ग्लोफ लेक्स में पानी यूं ही बढ़ता गया तो सबसे ज्यादा परेशानी सिक्किम और केदारनाथ को झेलनी पड़ेगी। वहीं अरब सागर में यूं ही उथल पुथल रही तो पूरे भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही अजीबोगरीब घटनाएं भी कलयुगी मनुष्य को बार बार चेताने की कोशिश कर रही है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो आने वाला समय तबाही से भरा होगा, जहां चारों ओर जल ही जल नजर आएगा। भविष्य मलिका के अनुसार
पवन सुवो उठीबे मिटाणी रात्रो दिवस बरसीबे पाणी दखण में ठाड़ो नपाई ना एरो सातो ग्रामो जजबो भागीनो। अर्थात पवन यानी हवा प्रचंड रूप धारण करेगी, दिन रात बरसेगा और दक्षिण में 91 गांवों को भ्रमित कर देगा। यानी कहीं जल प्रलय का संकट पूरे भारत पर मंडरा रहा है। आने वाले समय में कहीं पानी ही पानी होगा तो कहीं पूरी तरह से सूखा, और एक समय ऐसा भी जल प्रलय उठेगा कि पूरा कलयुग खत्म हो जाएगा और कलयुगी मनुष्य का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस तबाही से बचने का एकमात्र तरीका है ईश्वर की भक्ति करना, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा असर पापियों पर होगा। जो जानवरों की बलि देते हैं उन पर होगा, जो इंसानों को इंसान नहीं समझते उन पर होगा, जो संसार में अपने पराये का भेद कर लोगों की हत्या करते हैं उन पर होगा। इसलिए मित्रों, अभी भी समय है, सत्कर्म कीजिए और हर किसी का सम्मान कीजिए। बुराई का रास्ता छोड़ अच्छाई का मार्ग प्रशस्त कीजिए, क्योंकि जब ईश्वर अपने कामों का हिसाब लेगा तो फिर कोई उपाय नहीं काम आएगा। उम्मीद है वीडियो और हमारा संदेश दोनों ही आपको पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।